देश को नेतृत्व दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और भारत 1947 में जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? अंग्रेज चाहते थे भारत टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाए, लेकिन इसी माटी के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 563 से अधिक रियासतों को एकजुट करके वर्तमान भारतीय गणराज्य को एक मजबूती प्रदान करके एकात्मता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। यह धरती गौरव की अनुभूति करती है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व पर। भाइयों बहनों, हम सब जान रहे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में, सबसे दूरदर्शी नेता के रूप में अगर कोई एक व्यक्तित्व वर्तमान में जाना जा रहा है तो वह इसी गुजरात की धरती के सपूत हैं, भारत के सच्ची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है और मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस भाव के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में दुनिया के 20 ताकतवर देशों का G20 के नेतृत्व को प्राप्त करते हुए देखा होगा। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है कि पहली बार G20 का नेतृत्व भारत के पास आया है। भाइयों बहनों, दुनिया के वे सभी ताकतवर 20 ताकतवर देश हैं जिन 20 ताकतवर देशों के पास दुनिया का 80% संसाधन है और उसका नेतृत्व अगले एक वर्ष के अंदर भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में दुनिया की पूरी रणनीति तय होगी। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। भाइयों बहनों, हम लोगों ने आजादी के आंदोलन को नहीं देखा। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था तब हम लोगों ने इस देश की आजादी के जश्न को नहीं देखा और कांग्रेस की जो फितरत थी वह आजादी के या किसी भी उत्सव में देशवासियों को कभी साथ लेकर के नहीं चली है। लेकिन जब आजादी का 75 वर्ष पूरा हुआ, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को जोड़ने का काम किया, हर घर तिरंगा लगा करके हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सके अपनी देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर, यह गौरव की अनुभूति भी कराया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, में यही कहने के लिए आया हूं कि जो कार्य कभी नहीं हुआ, आप याद करिए 2019 में एक स्लोगन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि मोदी है तो मुमकिन है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केवल यह एक स्लोगन नहीं था, एक वास्तविकता भी थी। जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी दूरदर्शिता के कारण सारी समस्याओं का समाधान करते हुए पांच अगस्त 2020 को स्वयं अयोध्या करके
भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और मैं आपका आभारी हूं कि सूरत के वस्त्र व्यापारियों ने, अग्रवाल समाज के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए सबसे पहले डोनेशन भी भेजा था निर्माण के लिए। भाइयों बहनों, 2023 के अंत तक जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा और रामलीला अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत का राष्ट्र गौरव का प्रतीक बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ही विजन का परिणाम, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है। और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर भी जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ भी भव्य परिसर के निर्माण का कार्यक्रम हो, द्वारिका धाम को भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, उत्तराखंड के केदारनाथ पुरी और बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप प्रदान करने का हो, या फिर उज्जैन के महाकाल को महालोक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व की ही क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इसलिए हर गुजरातवासी और हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करते हुए विकास की जिस नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में वो हम सब ने अनुभव किया है। जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था, भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को इस गौरव की अनुभूति कराई कि उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बन गया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं अपील करने के लिए कि भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आप सबने देखा होगा, कोरोना कालखंड में सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस रहे हो, कोई अन्य दल रहे हो, ये राजनीतिक दलों के लोग कोई घर के बाहर नहीं निकला। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया था कि सेवा ही संगठन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मंत्र तैयार दिया था, जान है जहान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही प्रेरणा दी जीवन भी और जीविका को बचाने की, और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही उस समय जो जहां है वहीं, जहां बीमार है वहीं उपचार है, यह भी मोदी जी ने ही प्रेरणा दी। और भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम भी दुनिया के अंदर केवल भारत के अंदर ही हुआ है। दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पस्त थी, लेकिन अकेले भारत लड़ता रहा, कार्य करता रहा, अकेले भारत दुनिया को नेतृत्व देता रहा। ये कमाल की नेतृत्व की क्षमता, ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है दुनिया के लिए। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वे जादूगर हैं, और भाइयों बहनों, जादू कभी वास्तविक नहीं होता है। वे लोग झूठे आपको तो
तमाम प्रकार के लोभ लालच देंगे। और भाइयों बहनों, जब वक्त आएगा तो ये लोग उन्हीं तत्वों के हाथों का शिकार होंगे जो कभी कांग्रेस ने यहां पर किया था। भाइयों बहनों, आप भूले नहीं होंगे, कांग्रेस के समय में गुजरात रहा हो या देश रहा हो, पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आया, देश नक्सलवाद की चपेट में आया, देश के बहुत सारे क्षेत्र अराजकता की चपेट में आए, देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, आम जन को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, माफिया रास्ता अलग अलग प्रकार के माफिया व्यवस्था पर हावी होकर के सामान्य नागरिकों का, व्यापारियों का, गरीबों का, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त होने के साथ ही जिस प्रकार का सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि के नए नए पायदान और प्रतिमान स्थापित हुए हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। गुजरात एक मॉडल बना, वह मॉडल विकास का था, वह मॉडल सुरक्षा का था, वह मॉडल समृद्धि का था, वह मॉडल सुशासन का था, और वह मॉडल माफिया राज की समाप्ति के साथ ही वह मॉडल बना जिसने आतंकवाद और अराजकता पर राष्ट्रवाद की विजय के फलस्वरूप गुजरात को दुनिया के सामने एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया। और आज गुजरात के इस मॉडल को पूरे देश के अंदर लागू करते हुए जो कार्य आज हो रहा है, आपका सूरत स्मार्ट सिटी मिशन में नंबर एक पर अगर है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन का परिणाम है। भाइयों बहनों, सूरत न केवल वस्त्र उद्योग के लिए, मैं देखता हूं गोरखपुर में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नेपाल में सूरत की साड़ियां और सूरत से बने हुए वस्त्र हर व्यक्ति पसंद करता है। वस्त्र उद्योग का केंद्र है और दुनिया का डायमंड प्रोसेसिंग का भी एक हब सूरत बन गया है। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का एक केंद्र बनकर के उभरा है और सूरत महानगर पालिका ने भी विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर किया है सूरत में और गुजरात में, भाइयों बहनों, अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और उसका लाभ भी इसी रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, जब भी इस स्पीड में ब्रेकर का काम करने वाले जादूगर आएंगे तो भाइयों बहनों, आवश्यक है हमारे सभी जागरूक नागरिकों को इसके प्रति सतर्क रहना होगा। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के पहले किस प्रकार की अराजकता थी। 5 वर्ष में 700 दंगे हुए थे यूपी में 2012 से 17 के बीच में, जब दूसरे विपक्षी दलों की सरकार थी। और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। आज वहां दंगा नहीं होता है, आज वहां कोई माफिया नहीं है, आज वहां कोई गुंडागर्दी नहीं है, आज वहां पर कोई मां किसी बहन बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो भाइयों बहनों, यूपी का बुलडोजर भी तैयार रहता है। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही निर्माण नहीं करता है, माफिया की काली कमाई पर भी उसी स्पीड के साथ चढ़ता है जिस स्पीड से सड़क बनाने का काम करता है, एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य करता है। और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज गुजरात के अंदर
जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, भूपेंद्र भाई पटेल का गुजरात के अंदर नेतृत्व है, हिमाली बेन बोदावाला यहां की महापौर के रूप में कार्य कर रही हैं, उनके साथ भाजपा के पार्षद और पूरा यहां का सदन विकास के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। एक ट्रिपल इंजन बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ा सके, इससे आवश्यक है कि यह लगातार इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद की जड़ कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस की देन थी, क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को हटा पाती? आपको लगता है आम आदमी पार्टी हटा पाएगी? और क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या ये लोग सुरक्षा देने में सफल हैं? भाइयों बहनों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न ये लोग देश को समृद्धि दे सकते हैं, न नौजवानों को रोजगार ही दे सकते हैं, न ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई कार्य ही कर सकते हैं, और न आपकी आस्था को सम्मान ही दे सकते हैं, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है? और इसीलिए तो आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने से संदीप भाई देसाई को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। संदीप भाई देसाई को चुनाव जिता करके भेजेंगे ना? सभी लोग सभी तैयार हैं? भाइयों बहनों, सभी लोग तैयार हैं? एक कर्मठ और पुराना कार्यकर्ता कैसे